नए नए बिजनेस आइडिया और सरकारी योजनाओं की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल रोजगार के अवसर को, और साथ में इस घंटी वाले आइकॉन को दबाकर हमारे नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिसे हम जो भी नया वीडियो अपडेट करें उसका पता सबसे पहले आपको चल सके। दोस्तों, अगर आप बेरोजगार हैं या नई नौकरी चाहते हैं तो आप कई प्राइवेट वेबसाइट पर जॉब के लिए रजिस्ट्रेशन कराते हैं। इसकी एवज में कुछ वेबसाइट आपसे पैसा लेती हैं, लेकिन फिर भी आपको अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती है। लेकिन अब केंद्र सरकार ने एक ऐसी वेबसाइट बनाई है जहां आप रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अच्छी नौकरी हासिल कर सकते हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि इस वेबसाइट पर एम्प्लॉयर भी रजिस्टर्ड हैं और अपनी रिक्वायरमेंट इस पोर्टल पर अपलोड करते रहते हैं, जिसे देखकर आप अपनी पसंद की नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, सरकार ने इस वेबसाइट का नाम NCS यानी नेशनल करियर सर्विस रखा है। आज हम आपको बताएंगे कि इस वेबसाइट से आप कैसे जुड़ सकते हैं और इसमें रजिस्ट्रेशन कराने से आपको क्या फायदा होगा। सरकार द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि अब तक इस पोर्टल से लगभग 7 लाख बेरोजगारों को जॉब उपलब्ध कराए जा चुके हैं। आइए अब थोड़ा जान लेते हैं NCS है क्या। NCS मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट द्वारा तैयार किया गया यह नेशनल जॉब पोर्टल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां नौकरी चाहने वाले और नौकरी देने वाले दोनों ही अपनी रिक्वायरमेंट अपलोड करते हैं। इस पोर्टल पर गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों तरह की वैकेंसी का पता चल जाता है। इसके अलावा स्किल प्रोवाइडर, काउंसलर, प्लेसमेंट एजेंसी और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी यहां अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यहां रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए शर्तें क्या है, थोड़ा वो भी जान लेते हैं। इस वेबसाइट पर हर व्यक्ति अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है, बस उसकी उम्र 14 साल से अधिक होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन कराने वाले व्यक्ति का पढ़ा लिखा होने की अनिवार्यता नहीं है, अनपढ़ भी यहां अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और दोस्तों, इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपके पास यूनिक ID होना जरूरी है। इनमें आधार नंबर, पैन नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड आदि शामिल हैं। इनमें से कोई भी ID होने पर आप यहां आसानी से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आइए अब जानते हैं सरकार की इस वेबसाइट पर आप अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकते हैं। इसके लिए आप अपने वेब ब्राउजर में www.ncs.gov.in खोलें। दोस्तों, इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, और आप इस वेबसाइट को अपने फोन या कंप्यूटर के मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर में ही खोलें तो ये खुलेगी, बाकी ब्राउजर में ये वेबसाइट खुल नहीं रही है। दोस्तों, पता नहीं सभी सरकारी वेबसाइट में क्या प्रॉब्लम होती है, ये गूगल क्रोम या अन्य ब्राउजर में नहीं खुलती है, ये सिर्फ मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर में ही खुलती है। मैंने पहले एक वीडियो में डिजिटल इंडिया की एक वेबसाइट पर वीडियो बनाया था, उसमें मैं ये बताना भूल गई थी कि आप इस वेबसाइट को मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर में खोले, तो उस वीडियो के नीचे ज़्यादातर यही कमेंट आए कि ये वीडियो फेक है, ये वेबसाइट खुल नहीं रही है, और कुछ लोगों ने बोला कि ये वेबसाइट सरकारी नहीं है। तो दोस्तों, मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि जिस किसी भी वेबसाइट के पीछे gov.in या gov.com लिखा हो, वो वेबसाइट हमेशा सरकारी ही होती है। gov का मतलब गवर्नमेंट होता है, और कोई भी आम आदमी अपनी वेबसाइट के पीछे gov.com या gov.in नहीं लगा सकता है। इसलिए जिस किसी भी वेबसाइट के पीछे gov लिखा हो, वो कभी फेक नहीं हो सकती, आप ये बात अपने ध्यान में हमेशा रखें। आइए अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जान लेते हैं। आप मेरे दिए लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुलेगा। आप यहाँ क्लिक करें, फिर आपके सामने ये ऑप्शन आएंगे। ये पूछ रहा है आप यहाँ किस लिए रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। तो आप जॉब पाने के लिए रजिस्टर कर रहे हैं, इसलिए आप पहले नंबर वाले ऑप्शन जॉब सीकर को सेलेक्ट कर ले। इसके बाद आपके सामने ये फॉर्म खुल कर आएगा। आपको यहाँ अपनी डिटेल फीड करनी होगी। इसके बाद आपके फ़ोन नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड यानी OTP आएगा, जो डालकर सबमिट करते ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। एक बार आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो आपके सामने सर्च का ऑप्शन आएगा। आप अपनी योग्यता के अनुसार इस वेबसाइट पर अपलोड वैकेंसी देख पाएंगे। इस वेबसाइट में लिस्टेड जॉब में ही अप्लाई का ऑप्शन होगा, जहां आप क्लिक करके ऑनलाइन आवेदन करके अच्छी जॉब पा सकते हैं। बाकी आपका कोई सवाल हो तो मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में घंटी को जरूर दबा ले, ताकि हमारी नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।